हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अंत तक देखिए। 50 ग्राम के लगभग मूंगफली है, इसे भून लेना है और तेल में जीरा डाल देना है और थोड़ा सा सरसों डाल देना है आधा चम्मच, और ताज़ा वाला करी पत्ता हो तो डाल दीजिए। एक प्याज डालना है और हरी मिर्च डालना है 2 से 3। अगर धनिया पत्ती हो तो और अच्छा रहेगा, मेरे पास तो नहीं है धनिया पत्ती। प्याज को गलने के लिए एक चुटकी नमक भी डाल देंगे। ये 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। काली मिर्च कूट के डाल दिए हैं और ये जीरा पाउडर डाल दिए हैं 1/2 चम्मच के करीब। तो हम लो फ्लेम पे भूनना है सबको। हल्दी है 1/2 चम्मच। थोड़ा सा लाल मिर्च भी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि प्याज में भी हम नमक डाल चुके हैं, और यहीं पे बादाम को भी मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरह से मसाला और आलू भून जाएगा तो फिर गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हम 2 चम्मच डालेंगे नींबू का रस। गैस बंद कर चुके हैं और नींबू का रस अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, दम डोसा से भी जल्दी बनने वाला है। इसमें हम क्या किए हैं कि चावल उड़द दोनों का आटा बना लिए हैं और गेहूं का आटा भी था, सबको मिक्स कर लिए हैं और 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिए थे पानी में घोल के। उड़द के आटे से स्वाद बढ़ जाता है इसका, और चावल का आटा से थोड़ा क्रिस्पी होता है, और गेहूं का आटा मिला देने से थोड़ा चिपचिपा होता है, तो ये टूटता नहीं है। उड़द भी मिला देने से टूटता नहीं है। जब तक अच्छी तरह से पक नहीं जाए तब तक छेड़छाड़ मत कीजिएगा, टूट जाएगा नहीं तो। एकदम लो फ्लेम पे सेकना है और दोनों साइड को अच्छी तरह से सेक लेंगे। जितना चावल का आटा रहेगा ना उसका आधा हम लेंगे उड़द का आटा। इसमें हम 1 कटोरी चावल का आटा लिए थे, 1/2 कटोरी उड़द का आटा लिए थे और 1/2 कटोरी गेहूं का आटा लिए थे। अगर आपके पास उड़द नहीं हो तो आप चावल और गेहूं के आटा से बनाइए। अगर चावल भी नहीं है तो फिर सूजी से बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। और बहुत आसान भी है बनाना। तो ये बन चुका है, आप इसे अपने मन पसंद के चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ खाइए। नारियल वाली चटनी हो, धनिया वाली चटनी हो, जिसके साथ खाना हो आप खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर नया रेसिपी लेके आएंगे आपके लिए इसी तरह से। और रेडी है पिज़्ज़ा, और डोसा से भी टेस्टी चीज़ है ये, और आसान भी है, एकदम सस्ता भी है। तो चलिए टेस्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। फिर मिलेंगे।